अभिनेता अजय देवगन की साल 2018 में फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था रेड, जिस फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट इलियाना डी क्रूज ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। आपको बताना चाहेंगे ये फिल्म 100 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, साथ ही ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में अजय देवगन ने एक इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभाया था और उनके इस किरदार को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। लेकिन दोस्तों अब ये फिल्म के लिए अजय देवगन को एक सबसे बड़ा अवार्ड मिल चुका है। जी आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म रेड के लिए चीन के 27th गोल्डन रोस्टर एंड 100 फ्लावर्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है अजय देवगन को। फिल्म फेस्टिवल के विजेताओं को दर्शकों द्वारा चुना गया था और फिल्म रेड के लिए अजय देवगन को ये बड़ा सम्मान मिल चुका है। आपको बताना चाहेंगे चीन फिल्म एसोसिएशन द्वारा किया गया यह फेस्टिवल हर साल होता है। फिल्म रेड के निर्माता भूषण कुमार ने अजय देवगन को इस अवार्ड दिए जाने पर खुशी जताई है। इसी के साथ ही उन्होंने इस पर खुशी जताते हुए बताया है कि हम हमेशा ऐसी फिल्मों के निर्माण पर विश्वास रखते हैं जो विश्व प्रधान हो, जिसकी कहानी दर्शकों को जोड़ सके। रेड हमारे लिए काफी खास फिल्म है और इस फिल्म पर हमें पहले दिन से ही भरोसा था।